नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब जेल से बाहर आएंगे लालू प्रसाद यादव। पीएचईडी की योजनाओं का तकनीकी और सोशल ऑडिट करने का जिम्मा मिला इन इंजीनियर को। कोविड-19 के नाम पर निजी अस्पतालों की मनमानी आई सामने। शहरी इलाकों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में अगले साल तक बन जाएंगी सड़कें। राजस्थान रॉयल्स ने दान किए 7.5 करोड़ रुपए। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंजाब में क्लर्क टाइपिस्ट समेत 856 पदों पर निकाली गई भर्तियां। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने सीनियर मैनेजर, मैनेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर कुल 856 वैकेंसी निकाली है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार psceb.in पर जाकर इन पदों के लिए 20 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम सेकेंड डिविजन के साथ ग्रेजुएशन किसी भी विषय में या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय में एवं कंप्यूटर में से कम 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 10वीं तक पंजाब भाषा विषय पास होना अनिवार्य है। अगले साल तक बनेंगे ग्रामीण इलाकों में 778 सड़क और 315 पुल। बिहार सरकार पूरे बिहार में सड़क का जाल बिछाने का काम कर रही है। इसी बीच ग्रामीण इलाकों में भी सरकार अब सड़कों को सुदृढ़ करने का काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य के ग्रामीण इलाकों में 778 सड़क और 315 पुलों को 31 मार्च 2022 तक बनाने का ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को निर्देश दे दिया है। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि इस काम में अगर देरी हुई तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ही इसका जिम्मेदार माना जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधा बेहतर होगी और आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। पटना यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में लगी आग। पटना यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में बीते दिन आग लग गई, जिसके बाद कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। जानकारों की माने तो सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया था। हालांकि आग की वजह से परीक्षा विभाग ने कई पुराने और नए दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। फिलहाल विश्वविद्यालय द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। मामले की जांच शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर NK झा ने बताया है किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बारिश की जताई संभावना। बिहारवासियों को अगले 48 घंटे में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। चक्रवाती परिसंरचन से निम्न दबाव की रेखा बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल तक जा रही है। इसके चलते प्रदेश के उत्तरी भाग में दक्षिणी पूर्वी हवा एवं दक्षिणी बिहार में दक्षिणी हवा चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग को छोड़कर के अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आएगी और प्रदेश में कुछ जगह पर अगले 48 घंटे के दौरान गरज वाले बादल के साथ हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने का पूर्वानुमान है। अब ऑनलाइन माध्यम से सब्जी बेचेगी नीतीश सरकार। कोविड-19 के माहौल में ऑनलाइन चीजों की बिक्री काफी ज्यादा शुरू हो गई है। इसी क्रम में अब बिहार सरकार ने भी ऑनलाइन माध्यम से सब्जी बेचने का ऐलान किया है। नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है कि लोगों से सब्जियों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। ज्ञात हो घरों तक सब्जियों को पहुंचाने के लिए सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्करों की सहायता लेगी, जिसके तहत ही ऑनलाइन सब्जियों की बुकिंग और डिलीवरी सर्विस की शुरुआत के लिए सरकार ने पटना के साथ मोतिहारी का चयन किया है। जानकारों की माने तो सरकार के इस फैसले के मुख्य कारण सब्जी मंडियों में लगने वाली भीड़ है, जिससे कोविड-19 संक्रमण फैलने का ज्यादा डर रहता है। पीएचईडी की योजनाओं का तकनीकी और सोशल ऑडिट का जिम्मा मिला 120 इंजीनियर को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर जोर शोर से काम चल रहा है। वहीं अब इस योजना में गड़बड़ी करने वालों पर भी खास नजर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने अपने सभी योजनाओं का तकनीकी और सोशल ऑडिट पर काम की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 120 से अधिक स्वतंत्र इंजीनियरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोविड-19 संक्रमण में कमी आते ही ऑडिट का काम शुरू हो जाएगा और इनकी रिपोर्ट पर भी योजना और संवेदकों की रैंकिंग भी होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विभाग ने पिछले साल भी 30,000 से अधिक वार्डों में ऑडिट कर पानी की शुद्धता को देखा था। अब दोबारा से विभाग ने सभी योजनाओं को ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी आगे। बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी 10 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी। आयोग के कार्यालय में संबंधित दस्तावेज के साथ हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तारीख 7 मई से बढ़ा करके 17 मई शाम 5 बजे तक कर दी गई है। बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा 5 जून को होगी। इसके साथ ही बीपीएससी 66वीं प्रीलिम्स परीक्षा में पास हुए सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य हैं, लेकिन इसके उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
सरकार ने शहरी निकायों में बस ऑटो स्टैंड बनाने का जारी किया आदेश। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने हाल ही में कार्यपालक पदाधिकारियों को अविलंब भूमि की उपलब्धता का प्रस्ताव राज्य मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब राज्य के शहरी निकायों में नए बस और ऑटो स्टैंड बनाए जाएंगे। कई ऐसे शहरी निकाय है जहाँ भूमि की अनुपलब्धता के कारण अब तक बस और ऑटो स्टैंड का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना, भागलपुर, दरभंगा, मगध एवं मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले नगर परिषद के योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि इसके अलावा सभी नगर निकायों में मास्क का वितरण करने का निर्देश दे दिया गया है। शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जारी किया पत्र। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच शिक्षक नेताओं ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पत्र जारी किया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री से नियोजित शिक्षकों की कोरोना महामारी से जान बचाने की गुहार लगाई है। जारी किए गए पत्र में उन्होंने कहा है कि अभी बिहार की हालत घर से निकलने के लिए उपयुक्त नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, बावजूद शिक्षक स्कूल जा रहे हैं। जिन शिक्षकों से काम नहीं लिया जा रहा उनसे होम फ्रेम से ही काम लिया जाए। अब मेदांता में भी होगा कोविड 19 मरीजों का इलाज। कोविड 19 मरीजों की संख्या में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उस तरीके से कई अन्य अस्पतालों को भी बिहार सरकार ने कोविड 19 के इलाज के लिए तैयार किया है। इसी क्रम में अब मेदांता अस्पताल को भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोविड 19 अस्पताल बनाने का ऐलान जारी किया है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में ईटीवी भारत से बातचीत की है, जहां उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि 3 से 4 दिनों में IGIMS अस्पताल पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। वहां से मरीज को हम दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी में है। जहां तक मेदांता अस्पताल का सवाल है, तो 5 से 6 दिन में मेदांता अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के बाद उसे भी शुरू कर दिया जाएगा। लालू यादव के जेल से बाहर आने का साफ हुआ रास्ता। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। खबरों की माने तो लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि रांची की CBI कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। इस बात की खबर मिलने के बाद राजद समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुमका मामले में जमानत मिलने के बाद जमानत की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बेल बॉन्ड सहित जुर्माने की राशि जमा होने के बाद रिलीज ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके बाद अब लालू यादव पटना कब आएंगे इस बात को लेकर संशय की स्थिति हालांकि बरकरार है। फिलहाल उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है। बिहार में डॉक्टरों के लिए निकाली गई वैकेंसी। बिहार में कोविड 19 के माहौल के बीच चिकित्सा व्यवस्था की पूरी पोल खुलकर सामने आ गई है। हालांकि अब मरीजों के इलाज के लिए बिहार सरकार चिकित्सकों की बहाली करने का मन बना चुकी है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने 6,338 पदों पर शिक्षा की बहाली करने का फैसला सुनाया है, जो वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति किए जाएंगे। इसके साथ ही 1 साल के लिए संविदा के आधार पर बड़े पैमाने पर पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए फैसलों में ये भी शामिल था। विकास आयुक्त आमिर सुभानी ने बताया कि 3 लाख कोरोना के सक्रिय मरीजों का ही अनुमान कर राज्य में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, लैब टेक्नीशियन और अन्य कर्मियों की 1 वर्ष के लिए बहाली संविदा पर की जाएगी। कोविड 19 के नाम पर निजी अस्पतालों की मनमानी आई सामने। कोविड 19 के नाम पर निजी अस्पतालों की मनमानी का मामला सामने आया है, जिसके बाद ही जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ऐसे निजी अस्पतालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। खबरों की माने तो पटना के 4 निजी अस्पतालों से इलाज के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक राशि लेने, रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता में गड़बड़ी करने, कोविड अस्पताल में पंजीकृत नहीं होने के बावजूद संक्रमितों को भर्ती कर रुपए लेकर एडमिशन करने और ऑक्सीजन सिलेंडर न होने का हवाला देकर मरीज को डिस्चार्ज करने आदि की शिकायतें मिली है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अस्पतालों में जांच शुरू कर दिया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अस्पताल द्वारा मनमानी या गड़बड़ी करने की शिकायत मिलते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का बिहार सरकार ने बताया इलाज। कोविड 19 के बढ़ रहे मामलों के बीच ऑक्सीजन को लेकर के जिस तरीके से कोहराम मचा है, इस बीच बिहार सरकार ने सभी आम नागरिकों को अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के नुस्खे बताए हैं, जिसके तहत लोग खुद से कैसे अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं, इसके लिए बिहार सरकार विज्ञापन के जरिए जागरूकता फैला रही है। इसके लिए पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में प्रोनिंग विधि को बताया गया है। इसके जरिए लोग अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर कर सकते हैं। जारी किए गए पोस्टर में तस्वीरों के जरिए लेटने के कई तरीके को बताया गया है। इसमें प्रोनिंग की प्रक्रिया पर और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानी को भी बताया गया है। भारत में कोविड 19 की बढ़ती रफ्तार को देखकर नेपाल ने लगाई सख्ती। भारत में बढ़ते संक्रमण को देखकर गुरुवार को नेपाली आर्म्ड फोर्स ने काफी सख्ती दिखाई। भारत नेपाल बॉर्डर के ग्रामीण रास्तों से आवाजाही करने वाले दोनों देशों के लोगों को खदेड़ा। ग्रामीण रास्तों को भी रोका गया है। नेपाल सीमा क्षेत्र के देवशावता, जानकी टोला, पांडेपुर, भिखमपुर आदि गांवों से होकर इन रवा बाजार से आने वाले रास्ते को
APF ने बैरियर लगाकर सील कर दिया है। साथ ही अब ग्रामीण रास्तों पर भी जवान गश्त लगा रहे हैं। शस्त्र प्रहरी बेस कैंप भिकमपुर नेपाल के इंस्पेक्टर किशमंद तमान ने बताया है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सख्ती की गई है। डेडिकेटेड अस्पतालों में दवाओं की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच मरीजों के इलाज के लिए कई अस्पतालों को कोविड 19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। वहीं अब डेडिकेटेड अस्पतालों की तरफ से ही अस्पतालों में दवाओं की कमी का मामला उठाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने खुद सामने आकर के व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की गई, जहां पर व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की गई। जानकारों की माने तो स्वास्थ्य कर्मियों ने मैन पावर बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार लाने की मांग उठाई है। निजी अस्पतालों के कर्मियों को 50 लाख का बीमा देने की पप्पू यादव ने की मांग। निजी अस्पतालों के कर्मी कोविड 19 के माहौल में लगातार लोगों की सहायता करने का काम कर रहे हैं। कोविड 19 मरीजों के पास रहने वाले डॉक्टर भी संक्रमित होने के सबसे ज्यादा करीब रहते हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना के निजी अस्पतालों का दौरा करने के बाद निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले हेल्थ वर्कर के लिए सरकार से 50 लाख रुपए देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सफाई कर्मियों, वार्ड बॉयज, नर्सों, आशा कर्मियों, सहायकों, चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को इस बीमा सुविधा का लाभ चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय सिनेमा के पितामह धुनजी राज फाल्के उर्फ दादा साहेब फाल्के का जन्म आज के दिन हुआ था। 1863 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय नौसैनिक ब्रिटिश नौसेना में भेजे गए थे। वहीं इसी साल ईस्ट कंपनी इंडिया के अधिकार वाले भारतीय नौसेना की कमान ब्रिटिश एडमिरल को सौंपी गई थी। बिहार में कोविड 19 के मिले 13,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 13,089 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,821 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 161, अरवल में 182, औरंगाबाद में 353, बांका में 57, बेगूसराय में 666, भागलपुर में 305, भोजपुर में 193, बक्सर में 112, दरभंगा में 116, ईस्ट चंपारण में 276, गया में 1,128, गोपालगंज में 281, जमुई में 192, जहानाबाद में 214, कैमूर में 98, कटिहार में 357, खगड़िया में 200, किशनगंज में 105, लखीसराय में 75, मधेपुरा में 168, मधुबनी में 246, मुंगेर में 157, मुजफ्फरपुर में 478, नालंदा में 509, नवादा में 213, पटना में 2,186, पूर्णिया में 483, रोहतास में 288, सहरसा में 398, समस्तीपुर में 494, सारण में 451, शेखपुरा में 97, शिवहर में 51, सीतामढ़ी में 151, सिवान में 266, सुपौल में 416, वैशाली में 343, वेस्ट चंपारण में 590 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 33 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 10,926 मरीज ने कोविड 19 को मात दी है, जिसके बाद कोविड 19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,51,162 पर पहुंच गई है। बिहार में 1 मई से नहीं होगा 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों का टीकाकरण। 1 मई से केंद्र सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण पूरे भारत में करने का ऐलान किया था। हालांकि बिहार की बात करें तो यहां पर 1 मई से इस अभियान की शुरुआत नहीं होने वाली है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 18 साल से अधिक के व्यक्तियों का टीकाकरण के लिए निबंधन जारी रहेगा, लेकिन टीकाकरण स्थल का चयन नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि 1 मई से टीकाकरण का कार्य शुरू नहीं हो सकेगा। जानकारी के अनुसार वैक्सीन की अनुपलब्धता की वजह से 1 मई से टीकाकरण नहीं होगा। राज्य सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन का डिमांड किया था, लेकिन कंपनी ने देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। लिहाजा बिहार में नियत समय पर टीकाकरण का काम शुरू होने में बड़ी बाधा खड़ी हो गई है। गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग का आयोजन करवाया गया था। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसान पैक्स या व्यापार मंडल जहां वो चाहेंगे वहीं अपनी गेहूं की फसल बेच सकेंगे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार ने इस बार 7 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसको पूरा करने का सीएम नीतीश ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही खरीद की समय सीमा 31 मई तक कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी ने पूछे तीखे सवाल। कोविड 19 के मामले जिस तरीके से बिहार में बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की समस्या निकलकर सामने आई है। वहीं इसको लेकर विपक्ष भी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीते दिन सरकार की आलोचना की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सीएम साहब अंतरात्मा को वेंटिलेटर पर डाल दिए हैं क्या। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश सरकार ने उच्च न्यायालय में वही कहा है जो मैं कई सालों से कह रहा हूं। बिहार में 57% डॉक्टर्स, 71% नर्स, 72% लैब टेक्नीशियन, 50% ANM और आज
सबसे महत्वपूर्ण गिने चुने वेंटिलेटर चलाने के लिए 80% ऑपरेटर की कमी है। अब कब जागिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपा करिए। राजस्थान रॉयल्स ने दान किए 7.5 करोड़ रुपए। कोविड-19 लगातार अपनी चपेट में हर दिन 3 लाख से ज्यादा लोगों को ले रहा है। वहीं मुश्किल की इस घड़ी में कई लोग ने मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में राजस्थान रॉयल्स ने भी कोविड रिलीफ फंड में 7.5 करोड़ रुपए का दान किया है। ऐसा करने वाली राजस्थान रॉयल्स टीम IPL की पहली टीम बन गई है। इसको लेकर रॉयल्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि राजस्थान रॉयल्स खुशी से ये जानकारी देना चाहती है कि कोविड रिलीफ फंड में हमने 7.5 करोड़ रुपए को दान दिया है, ताकि जो भारतीय कोविड से लड़ रहे हैं उनकी मदद हो सके। एप्पल को पीछे धकेलते हुए इस कंपनी ने नंबर एक पर बनाई अपनी जगह। मार्केट रिसर्च फर्म कैनालिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एप्पल से दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी का ताज वापस छीन लिया है। इसके साथ ही चीन की शाओमी कॉर्प ने इस साल की पहली तिमाही में अपना सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है। इस दौरान शाओमी का स्मार्टफोन शिपमेंट बढ़कर 62.49 मिलियन हो गया है। साथ ही 14% मार्केट शेयर 14% के साथ तीसरा स्थान रहा। वहीं पहले पायदान पर सैमसंग का स्थान रहा, जबकि दूसरे पर एप्पल कंपनी ने बाजी मारी है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 29 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,480 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,480 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.53 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 85.36 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उजाला चौधरी, सोनू राजवंशी, मिथुन सिंह, शहनवाज अहमद, सुबोध कुमार, अरविंद प्रसाद, नितेश कुमार, ओमकार सिंह, पवन एंटरटेनमेंट, चंदन कुमार, हेमंतराज, शंकर यादव, जलंधर शेखर, जयशंकर कुमार, रवि, रंजन कुमार, नीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ाए जाने के बाद कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सरकार सफल हो पाई है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।